ओ जी मैं तो आके हमें गाल से नहीं मैं नहीं कुछ लिया आ जा आ जा मैं नहीं तेरे को तेरे खिलाना चाहती नहीं जो मेरा ओदेन है कि मैं तेरे को तेरे सारे खिलाना होना दे जी पे जी मैं खे हमें गाल से आ जा कुछ अपनी मां ने समझा दियो कुछ समझ जाए तो मैं थाने बड़ा समझाया दो शादियां ना करो ना इस मेरी मंदी अपनी मां ने की समझावा ना करना मेरा के बड़ा दिमाग खराब ही ना कर छोड़ दे जावन दे तू ओए ठहर सही ये कर लेने जी मैं खेई में गाल से है नहीं ठहर मैं नहीं मैं दे ठले ठले ले तू पहले तैयार है बस ठीक है मैं परेशान हूं की लाना जो तेरा दिल करता है तू कर तेरे वही सके ने तेरा वही सब कुछ ने मैंने तेरे तू उम्मीद ही है कि मैं गैरा दिया ना मैं गैर हां मेरा तेरा कोई हिसाब नहीं है बस बाद में वो अपने घर छोड़ के मेरे घर आ जाए नहीं वो उनके अपने घर है वो अपने घर संभालेंगे आपकी जिम्मेदारी आपने अपना घर संभालना है तो जिस तरह से भी मैंने जो करे मैं ऐसा नहीं कर सकती अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं चली जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे ठीक होंगे हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें तो जी काफ़ी मतलब दो तीन माह से ये सारी जो तापियाँ हैं ना ये खड़ी हुई हैं यहाँ पे तो अभी लगता है कुछ सूख गई हैं क्योंकि ये इतनी सी मैंने उतार दी है तो मैं सोच रही हूँ कि इनको सबको उतार के ना उधर धूप पर जो है रखते हैं जो बाकी की थोड़ी बहुत गीली हैं ये खुश्क हो जाएंगी तो मैंने ये दरांती ली है तो इसके साथ उतार रही हूँ बड़ी आसानी से उतर रही हूँ वैसे उतारें तो नहीं उतरती सारी मिट्टी साथ आ जाती सारी थापियाँ हमने उतार दी है उस साइड से भी ये सारी जितनी भी थी और ये साथ में अब जो मिट्टी लगी हुई है ना ये फिर जलती नहीं है वो ऐसे ही रह जाती हैं तो ये उतार कर फिर इनको धूप पर रखते हैं ताकि ये खुश्क हो जाए इनको ले चलो वहां पर धूप पे रखें ऐसे हाँ अभी हम आए थे बकरी के लिए चारा लेने वो लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत रौला डालती है बस 5 मिनट लेट हो जाए तो इतना शोर करती है क्या बताएं तो अभी अर्शद साहब जो है ना वो लेकर जा रहे हैं जी मेरे आगे आगे वो जा रहे हैं जी चारा लेकर बकरी के लिए जा रहे हैं और भैंस के लिए रात का ना वहाँ काट कर रख दिया है तो वैसा आएगा हम फिर उठा लेंगे वहाँ से तो अभी वहाँ पर काट कर रख दिया कुछ इसको डाल दिए और कुछ पट्टी को साथ में मुर्गे वगैरह जो वो भी अपना दाना The next morning. Good morning, सुबह हो गई है रात माशाल्लाह अच्छी तरह गुजरी हमारी हमारी काफी लड़ाई झगड़े में गुजरी है और अभी तक ही माशाल्लाह मुंह लटका हुए दोनों ने तो क्या बात हुई है क्या नहीं हुई वो कुछ तारा बताती है कुछ मैं आप लोगों से बताता शेयर करता हूँ बात है कुछ यूं हुई है कि जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि हालात उधर के कैसे हो चुके हैं मतलब केस हो गया उसके अलावा उनकी शर्तें वगैरह मेरे ससुराल वालों की काफी अजीबो गरीब तो मैंने तारा को बस इतना बोला था कि चंद दिनों के लिए ऐसा समझे कि एक महीने के लिए ही समय लेते कि मतलब कि जो शर्तें हैं ना उसी तरह मतलब कि हम एग्री हो जाते मैं वहाँ पर चला जाता हूँ तो उसके बाद मतलब कि मैं किसी ना किसी तरह से मतलब कि दूसरी बीवी को एग्री करके मैं मतलब कि हो जाएगा मैंने सारा कुछ अभी तो मतलब वो अपने माँ बाप के पास है तो उन्हीं की मान रही है लेकिन तारा ने कहा ना मैं ऐसा नहीं कर सकती कभी भी ना 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 अब वो तो मुझे समझ नहीं रही ठीक हो गया लेकिन तारा तो कहा मुझे समझ सकती है ना अब इनसे आप ही पूछे वो अगर अपने माँ बाप के पास बैठी उनका साथ दे रही है यहाँ आकर आपका साथ देगी तो वो दो दोगली हो गई ना अगर उसने साथ देना होता तो आपका इधर से घर से देना शुरू कर देती जैसे मैं दे रही हूँ नहीं वो बात ठीक है लेकिन अभी वो मेरी तरफ से कोई कमी है या कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ मैंने आपका हर बात में साथ दिया है हर तरह साथ दिया है अब ये तो नहीं है ना कि हर बात उन्हीं की मानी जाए हर शर्त उन्हीं की मानी जाए हम आपको पता है कितने बाहर वाले हिस्से में बैठे हुए हैं बिल्कुल जंगल है मैदान है ना कोई आस पड़ोस में घर है ना कुछ और अब हम अकेले यहाँ कैसे रह सकते हैं कि जी मैं जाता हूँ वो कहते हैं कि एक मिनट बाद चक्कर लगाना तो मैं एक मंथ बाद चक्कर लगाऊंगा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम एक महीना अकेले रहें यहाँ पे मेरी भी मजबूरी है वरना मैं मतलब कि मेरी मजबूरी है माँ बाप थोड़े बहुत अटैच उधर है तो वो कहते हैं कि भाई जो भी है एक बार फिलहाल ये आप कदम उठाएं उसके बाद मतलब कि फिर दोनों बीवियों को मतलब कि एग्रीमेंट थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत के साथ कर लीजिएगा तो फिर जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा मैं जानती हूँ आपकी मजबूरी है मैं ये नहीं कह रही कि आप मजबूरी नहीं है मुझे पता है मैं सब कुछ जानती हूँ बेटी की मजबूरी है माँ की मजबूरी है लेकिन मैं भी मजबूर हूँ मैं किसको अपने पास रखूँ
अब मेरे भाई हैं, उनके अपने घर हैं, वो मेरा पैरा तो नहीं ना दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो इस मुश्किल हालात में वो अपने घर छोड़ के मेरे घर आ जाएं? नहीं, वो उनके अपने घर हैं, वो अपने घर संभालेंगे। आपकी जिम्मेदारी, आपने अपना घर संभालना है। तो जिस तरह से भी मैंने जो करे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं चली जाती हूँ। लो जी, अब ये सुनने के बाद मतलब इस तरह तो नहीं ना आप। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था कि चलो आप लोग थोड़ा बहुत समझाएं, तारा को समझा दें या कोई मशवरा ऐसा दे दें जिससे मतलब कि ये हल हो जाए मसले मिसाल। तो लेकिन तारा रात की, यकीन मानो अभी तो कुछ नहीं है, रात को इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ जबानी की। बाकी कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। देखा वीडियो जनाब जैसे ही बंद हुई ना, तारा जनाब गुस्सा करके चली गई है। तो अभी अवैध साहब और मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, जितना हमने काट लिया ना इतने बड़ा, बाकी हम शाम को काट लेंगे। अभी उनको मनाते हैं किसी तरह मतलब कि सारा कुछ सेट हो जाए। मैं तो भाई बहुत गंदी तरह फंस चुका हूँ, कोई समझ नहीं आ रही ना, ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार है ना, उधर से मतलब कि उधर तो कोई रिस्पांस है ही नहीं, लेकिन इधर तरह से मुझे उम्मीद थी। लेकिन ये भी मतलब कि ना अपनी जगह ये भी सही है, मैं ऐसे कहूँ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो फिर करना पड़ता ना जिंदगी के साथ। लेकिन ये भी करने को तैयार नहीं, मैंने इसको बोला सिर्फ एक या डेढ़ मंथ, इससे ज़्यादा नहीं, उतनी देर तक मतलब कि जैसे भी हुआ जो भी हुआ ना सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन इसको अब डर इसलिए ये शायद लगा हुआ है कि ये एक डेढ़ मंथ काम पक्का हो जाना है तो मैं यहाँ जलील होती रहूँगी। लेकिन मैं सबल करने वाला हूँ, कभी भी नहीं, बाकी लोग कर्म करेगा। अभी जाते हैं ना, अभी मैं घर आया हूँ, तारा से बात की तो बहुत गुस्से में मतलब उसने मुझे जवाब दिया। अभी आप बात करते बैठी हुई है की होया, चल परेशान ना हो, कर लेने तू तो हड्डू इंज परेशान हो जानी है। बस ठीक है, मैं परेशान हूँ की लाना, जो तेरा दिल करता है तू कर, तेरे वही सके ने, तेरा वही सब कुछ ने, हफ्ते बाद दो दिन आएगा तो ठीक है, नहीं महीने बाद आना तो फिर हो ही नहीं सकता, एक नु छड़ना पैना तेन, भावे छड़ दे भावे छड़ दे। लो जी पहले हुण तक होंदे डिमांड थी कि मैनू छड़ दे, एक नु छड़ना या ओनू यार मैनू, कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं क्या ना करूं। दिमाग यकीन मानो रात का ना इतना डिस्टर्ब है कि ऐसे लगता है कि अभी यहाँ से फट जाएगा। बस क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रही है बिल्कुल ना। कुछ अपनी माँ ने समझा दो, कुछ समझ आया तो और मशीन के साथ भी काट दिया। अब इसको फेंकते हैं भैंस के आगे, और आज चारा जो है ना सबज जो है ना वो कम हो गया, पता नहीं क्यों हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन सूखा जो है ना वो ज्यादा हो गया। अभी भैंस हमारी बैठी है, जैसे ही उठती है ना फिर इनको चारा वगैरह डालते हैं इनका, और चरना जो है ना वो भी साफ करने वाला है, क्योंकि मुर्गियों वगैरह ने विठे वगैरह इनके अंदर कर दिए, क्योंकि इनको तो पेट पूजा कराया, उसके बाद हमारी पेट पूजा हो जाएगी। तो अभी खिला करते हैं चारा लेकर इनको डालते हैं। किधर जाऊं मैं, किधर जाऊं हैं? ओ फाड़ उन्होंने मोटरसाइकिल फाड़ा नहीं, ना करना मेरा अगे बड़ा दिमाग खराब ही ना कर, छोड़ दे जावन दे। ओए ठहर सही, ये कर लेने जिवें खेल में गाने सा नहीं ठहर में नहीं, मैं दे ठले ठले ले, तू पहले तैयार है, मैं दा दी मां मां नाल, तू मां नाल आए पाड़े नो, ओने 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 मन, चलो मेरे नाल ना जावे, लेकिन मैं छड़न, चल छड़ दे सही करी, कर लेने मैं, तू जा तू खुश रहे, उन्होंने भी खुश रख, तू भी खुश रहे। अच्छा कर लेने हैं मोर जो भी है, फाड़ 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 दी ये काली बड़ी है, हां दी ओ तेरे अपने ने, तू उन्होंने अब मेरी गल सुन, अब मैं करने है ना मोर बैठ के शाम को गल करने है, जो भी करने है कर ले ना, ते मेरा फैसला ही है कि मैं अवे तेरी जिंदगी क्यों खराब करा, तू अपनी जिंदगी मैं आंदा पया ना शाम तक, अब करने है कोई ना कोई मोर को गल सके, जीवे तन दिल करवे कर ले, नहीं मेरा दिल कुछ भी नहीं करता, ना कर छोड़ दे, छोड़ जा अंदर रख, ना कर ये छोड़ दे अंदर रख, इन बैग ओ मोटरसाइकिल काट के अंदर रख, अंदर रख, अंदर रख वेला, मैं तू ना कहने गाले ना शाम तक, तू दिमाग खराब कर वेला, दिमाग खराब दिमाग खराब बे 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 तू खेल लो जा पहले तैयार है नहीं जाना, चलो चला चल, चल तू मेरे लेके जाऊं, मैं दीवान दौर लेके जाऊंगा, चल ते साडा की है सानू की जरूरत जंगल। अच्छा करने है ना रात नु, आप सोचने है ना रात नु, आप सोचने है ना अपना सारा कुछ ले जा चुके थे, आप रात ना सोचने है ना बैग गल गुल करना जो भी दाता नहीं लोड़ है उन्होंने दे जाके जो कुछ भी है तेरे को, इधे आ इधे आ इधे आ इधे आ इधे आ
कार चल 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 तू उस पहले काला है वेले जे के बह चल बह चल मेरी गल सुन अच्छा तू मेरे दस हम की करना हूं बोल मेनू नहीं पता तेन चल बोल ना हूं मैं कह रहा ना जिम्मे कहती मतलब दस कि करना दस जिम्मे तेरे को बेहतर हों ना जिस तरह तेरे को मैनेज हों कर ला ना गल तो कोई ना होना मुड़ तू कि मैनेज कर सकना ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੁੜ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਅਭੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਬੁਲਾਏਗੇ ਤਾਰਾ ਕੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋ ਔਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਝੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਬ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਆਖਰ ਇਹ ਵੀ ਉਸਕੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸਕੀ ਹੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ चलो जो भी है ना फिलहाल शाम को ये इंशाल्लाह क्लियर होगी फिर कल वाली वीडियो में आपको बताएंगे क्या क्या आगे के हुआ है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है क्या नहीं है अभी जाते हुए तारा मुझे परोठा बना कर दे रही है जान लगी तो बिल्कुल जान लगी नहीं नहीं अभी जाने नहीं लगी वैसे नहाने के लिए जा रही है गाँव की तरफ और एक दो काम भी हैं वो भी मतलब इसने करने जाते हुए मैंने कहा चलो मुझे रोटी बना कर दे दीजिएगा बाहर लेकर आ गए खाना अपना परोठे बनाए आज मूली वाले और वो भी दोपहर को दोपहर को कौन खाता है परोठे हम हम अच्छा चलो अल्लाह करम करेगा अब ये वैसा होता रहा घर गए हुए हैं मना कर तो फिलहाल भेजा है बाकी वहाँ जाकर कोई पता निकाल कर दे कि भाई हमने वापस नहीं आ रहे बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह अभी दूर तो वैसे नहीं है अगर ऐसा हुआ तो फिर जाना पड़ेगा बाइक भी लेकर गए हैं फिर अगर जाना पड़ा तो पैदल मुझे जाना पड़ेगा बस आप दुआ कीजिएगा कि ऐसा कुछ ना हो बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह आ गई मैं समझे शायद मैंने कॉल आएगी हाल हाल है पुत्र आजकल बहुत बहुत काम खराब हुआ है हाल 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 मैंने वापस आना तो नहीं था लेकिन मैंने सोचा चलो एक मौका दे देती हूँ वापस चली जाती हूँ रात को हमारा फैसला होगा कि हमने क्या करना है क्या नहीं मैं घर गई थी तो अम्मी जो है ना वो नहीं थी घर पे मामू के यहाँ गई हुई है तो इसीलिए वो आज नहीं आएंगी देखते हैं अब कल तक वो कल शायद वापस आ जाएंगी तो फिर उनको बिठा कर जो भी बात होगी ना वो तय होगी इंशाल्लाह साथ में आज हमारे आए नन्हे मुन्ने मेहमान भी हाँ जी कैसे हो ठीक हो ठीक ठाक ठीक हो ठीक हो अल्लाह आले हो इधर मैं थोड़े नाला बात करो कहो ठीक हो शर्मा रही है कुड़ी भाई अभी माशाल्लाह जी शाम हो चुकी है और खाना वगैरह अभी हमारा बनने वाला है तो खाना बनते बनते तो मेरे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी और वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होगी तो इससे आगे शायद हम ना बना पाए क्योंकि वीडियो एडिट भी करना होता है फिर अपलोड भी करना होता है काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है जिसकी वजह से और यहाँ पर 6 के बाद वैसे भी ना नेट का इशू काफ़ी ज़्यादा बन जाता है पता नहीं क्यों फिर वो वीडियो जो 10 मिनट में होनी होती ना वो तो घंटा डेढ़ दो भी ले जाती है तो इसलिए आप सबसे चाहते हैं इजाज़त इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे किसी और सोनी सी प्यारी सीरियल तब के अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नहीं के पान अपना ख्याल रखिएगा आप दोस्तों का रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़।